गणेश जयंती, सिक्योरिटी जॉब के लिए बहुत लोग कॉल करता है, आने के लिए भी रेडी रहता है। उसका थोड़ा सा क्वाल और गुडनेस और उसका सैलरी बेनिफिट, ये चारों में बताने वाला क्यों है। एक एक लड़का लोग को क्या काम पता नहीं रहता है, उसमें क्या करना वो भी पता नहीं रहता है। तो मैं इतनी कहता है, सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है वो अलग बात है, सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, वो लोग को 12 घंटा नहीं मिलेगी। हाइट वाइट सब ठीक है, 1 मंथ नहीं तो करना ही पड़ेगी, उसका बाद ही उसको सिक्योरिटी में 12 घंटा मिलेगी। एक लड़का आके 9 साल से मेरे को नहीं नहीं वो लोकेशन में चाहिए, देने के लिए मैं रेडी है, फिर भी वो नहीं करता है तो बहुत इरिटेट हो जाएगी, सही है ना। उसका वीडियो भी मैं डालने के लिए सोचा चलो फिर वो दूसरा में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं डाल पा रहा, ठीक है। उसको कुछ भी पता नहीं, उसको बात समझने के लिए थोड़ा भी दिमाग नहीं है, ऐसा लड़का आएगा तो मैं क्या करूँ। उसको बोल रहे 1 वीक काम करो, बाद में आपको 12 घंटे में देता है, वही होस्पिटल लोकेशन में देता है, 70,000 सैलरी है, आपको रूम देता है, खाना देता है, तो समझदार नहीं है ऐसा लड़का, मत सिक्योरिटी में नहीं चलना। क्यों है, उसमें बहुत पेशेंस रहना पड़ेगी, वो क्या बोल रहा है क्लाइंट वो सुनना पड़ेगी, उसका तरफ से वो जाना पड़ेगा, सही है ना। पेशेंस नहीं रहता तो वो सिक्योरिटी में जाके भी पड़ेगा क्या है, सही है ना, तो करता है क्या है? तो उसको थोड़ा सा फायर पता नहीं है, चोर कैसा करता है, चोर पकड़ना क्या है, सिक्योरिटी का आग बुझाना क्या है, वो कुछ भी पता नहीं, सिक्योरिटी में जाके क्या करेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसीलिए सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, जो पढ़ाई करते उसका मार्कशीट जरा ये सब लेके आना पड़ेगा, ओके। और फोटोज, 8 फोटोज चाहिए पड़ेगी। आप लोग आए तो देखो मेरे पास 20,000 तक भी सैलरी है, ऐसा नहीं है, नहीं तो क्या है, उसका हाइट वेट माने 60 का एबो रहना पड़ेगी, हाइट 5.8 रहना पड़ेगी, ऐसा लड़का को मैं 20,000 तक भी दिला सकता है। मैडम मैं छोटा है, मेरे को इतना सैलरी दे दो, कैसा दे सकता है मैं, सही है ना, कंपनी वाला भी एक्सेप्ट करना पड़ेगी उसको, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसीलिए एक्सपीरियंस जो भी है उसको मैं अच्छा सैलरी देता है, तो इतनी है। अभी 8 आवर भी है, 12 घंटा भी है, 8 आवर को 15,000 का अंदर मिलेगी, मैंने 13,000 तक ESI कट करके उसका छोड़ के 12 घंटा करेगा कोई वो, उसको मिलेगी 15,000 to 20,000। इसका बीच में कितना भी सैलरी आ सकता है, वो उसका ऊपर डिपेंड करता है, उससे कौन सा कंपनी चाहता है। मिनिमम 400,000 rupees लगेगी, 3,000 भी लगेगी, 7,000 भी लगेगी, ऐसे ऐसे में अलग अलग देता है। 1,500 rupees से पहले से कर सकता है लड़का, एक दिन का खाना नहीं खा सकता है, तो उसको सुपरवाइजर में कैसा दे सकता है। एक लड़का वो भी हो गया, ये वीक में ऐसे लड़का आते रहे तो हम लोग को ये देखो ना दूसरा देखो, एक दिन का खुद का खाना नहीं खा पा रहा है, उसको 18,000 का सैलरी चाहिए, वो भी सुपरवाइजर। ऐसा लड़का सुपरवाइजर करेगा क्या, सुपरवाइजर हो गया तो खुद ही खाना खिलाना पड़ेगी, सर मैं अभी खाना नहीं खाया लेके नहीं आया, तो खुद का सुपरवाइजर का खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकता है, सही है ना। इतनी सोचना पड़ेगी, खुद तुम लोग ये देखना पड़ेगी, 1 day, 2 day, 3 day नहीं तो 1 month पूरा, कंपनी जो देता वो देता है, नहीं है तो तुम लोग खुद देखना पड़ेगी सैलरी आने का। कंपनी सब लोग 3 time कोई सिक्योरिटी में नहीं देता है, फर्स्ट ये सोचना पड़ेगी कौन सा सिक्योरिटी में 3 time खाना देता है, कोई नहीं देता है, फिर भी मैं 2 time दिला रहा है, लड़का नहीं करेगा तो किसका फॉल्ट, सही है ना। तो इसीलिए बोलता है एक एक कंपनी देता है, एक एक कंपनी नहीं देते। अभी महादेवपुर पे है 20,000 तक सैलरी, उसमें खाना पीना कुछ भी नहीं देता है, 26 duty का 20,000 दे देगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है तो रूम कुछ भी नहीं देता है। तो ऐसा ऐसा कंपनी मेरे पास आता रहता है, उसका सोचने के लिए बाद ही जा सकते, उसके पास पैसा नहीं, जो कंपनी बोलता है दूसरा दूसरे कंपनी में उसी में चला दो, थोड़ा दिन तक काम करो, कमा दो, बाद में जाओ, उसका ऐसा नहीं है। अभी से सब चाहिए, अभी से मेरे को सब कुछ मिलना, मैं वो काम पे नहीं जाएगा तो यही काम पे जाएगा तो खुद का खाना नहीं दे सकता तो क्या बोलेगा था आदमी, सही है ना। तो मेरे को वही टाइम बहुत बेजार लग गया, फिर भी मैं लड़का लोग को कुछ बोल नहीं पा रही, क्यों ना काम कर दिया, थोड़ा सा सोच समझदार जैसा रहना पड़ेगा, इसीलिए खुद का खाना देख लो। मैडम मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो मैं थोड़ा 1 month 2 month दूसरा में कर लो, बिल लेके चला जाओ, तुम दूसरा में जा सकते हो, फिर मेरे पास काम नहीं है, बहुत काम है, करने वाला का ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मैं काम देता है और भी सेकेंड काम, उसका पैसा कुछ चार्जेस नहीं लगेगी, जो है फर्स्ट टाइम 3,000 540 माने 540 GST लगेगी, उसी का बिल है,
मैडम मेरे को बिल नहीं चाहिए, एक ही काम चाहिए तो 3000 रुपीज लगेगी उसका, कुछ वही टाइम पे तुम लोग का काम करना मुझे। 240 एक्स्ट्रा लगेगी, बिल मिलेगी, 6 मंथ का वैलिडिटी मिलेगी आपको, और नेक्स्ट नेक्स्ट काम पर चेंज करोगे तो उसका चार्जेस मिलेगा। मेरा पास इतना बेनिफिट है, दूसरा कंसल्टेंसी क्या आपको दे रहा है, फिर भी हम लोग का कंसल्टेंसी बोलते हैं आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, मेरा जैसे रिस्पॉन्स कोई नहीं करता, फिर भी तुम लोग ये बोलेगा तो हम लोग को कितना बुरा लगेगा, सही है ना। तो लड़का लोग कितना प्यार से फोन करता है, मैम मैं ये दिन पे आने वाला, मेरे को रूम चाहिए मैडम, मेरे को खाना, ठीक है भाई तू आ जा, सही है ना। तो क्यों बोलते हैं वो इतना प्यार से बोल रहे, उतना दूर से पापा मम्मा को छोड़ के आता है काम के लिए इधर, तो काम करने के लिए दिक्कत क्या है, एक दिन नहीं रह पा रहे भाग्य में, तो पापा मम्मा लोग भी क्या सोचता है, मेरा बेटा गया था उधर क्या हो गया पता नहीं, तो ये आ गया, तो बेटा का गलती क्या है वो पापा मम्मा को पता नहीं चलता है, सही है ना। ऐसे ऐसा कैंडिडेट आता है तो बोलता है गणेश एजेंसी का गलती, गणेश एजेंसी का कभी गलती नहीं है, गणेश एजेंसी टिक ही रहता है, लड़का लोग आता है ना उसका थोड़ा सा टिक टाक से चलना पड़ेगा। मेरा बात आपको बुरा लगता है तो सॉरी, क्यों है लड़का लोग ऐसे ऐसे इश्यूज करता है ना, निकी सर भी परेशान हो गया है तो इसीलिए वो ऑफिस ही नहीं आ रहा है, ये 2-3 लड़का वजह से, क्यों है आएगा सर बोलता है ठीक है चलो भाई सबको दिला देगा करो, ऐसा ऐसा प्यार से बात करते हैं वो लोग ऊपर चढ़ जाएगा, इसीलिए निकी सर अभी ऑफिस ही नहीं आ रहा वो 2-3 लड़का वजह से, ठीक है और कुछ ही नहीं है अभी, इसीलिए दूसरा दूसरा बिजनेस पकड़ रहा है। ओके तो आप वो मिशा के लिए बोल रहे हैं, वो दिल्ली झारखंड और भी है, झारखंड कोलकाता ऐसा सब है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो, आपको नया नया वीडियो जॉब हर तरह के मिलता है, सही है ना। तो ये सिक्योरिटी पे जाएगा तो 8 आवर भी है, 12 घंटा भी है, आपका फायदा कैसा चाहिए वो मैं बना के देता है। काम करने वाला तो जरूर गणेश विजिट करो, तो आपके लिए 10 to 4 o'clock तक खोले रहता है, ठीक है। तो देखते रहना ऐसे गणेश सपोर्ट पैन करते रहना, जय हिंद।